press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कलर्स के शो उड़ान में चकोर अपनी ही बेटी यानी अंजोर पर कर देती है केस। हाँ, चकोर को लगता है कि समीर की सुइसाइड की वजह अंजोर है और पुलिस अंजोर को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे भेज देती है। पुलिस स्टेशन में अंजोर और चकोर एक दूसरे पे बहस कर रहे हैं। जब अंजोर चकोर को उंगली दिखाती है तब चकोर उसकी उंगली पकड़ लेती है और बोलती है कि सारी समस्या की जड़ अंजोर खुद है और उसे इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। अब देखना ये मजेदार होगा कि अंजोर कैसे निकलेगी जेल से और कब खत्म होगी ये माँ बेटी के बीच की तकरार। आपको क्या लगता है? सीरियल्स के और काफी सारी मजेदार जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए IWM बस YouTube चैनल पर। तो आज क्या हो गया एंजी के लिए जो आज जेल की सलाखी इन्हें देखनी पड़ी? समीर हमारा स्वीट बॉय, वो मैंने उसके और उसके परिवार की इंसल्ट कर दी क्योंकि मैं अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में आके मैंने सोचा कि वो भी मेरे पैसे के पीछे है, वो मुझसे प्यार नहीं करता रियल में। सो उसकी वजह से वो उसके दिल पे बहुत बड़ा धक्का लगा है, वो सुसाइड करने के लिए पहुंच गया है एंड ही इज़ ऑलमोस्ट इन द ICU। तो उसकी वजह से चकोर ने मेरे पे पुलिस कंप्लेंट डाली है। लेकिन ये काफ़ी शॉकिंग रहा एंजी के लिए जब चकोर आती है पुलिस स्टेशन में। हाँ, आई नो, मतलब मुझे आई नो दैट कि समीर की उसकी वजह से ही मुझे कंप्लेन करी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चकोर ने ही की है एंड ऑलरेडी आई हेट चकोर सो मच, सो दिस इज़ लाइक मोर डबल रीज़न टू हेट हर मोर। एंजी का गुस्सा इतना ज़्यादा सातवें आसमान पर पहुँच गया कि पुलिस स्टेशन की चीज़ें भी नहीं चली। आई थिंक शी इज़ वेरी हॉट हेडेड। जो मेरा कैरेक्टर है वो ही ऐसा है। बचपन से जब आपको प्रॉपरली वैल्यूज नहीं सिखाई देते, आपकी माँ आपकी रियल माँ आपके साथ नहीं थी, तो आप ऐसे थोड़ी ज़िद्दी बिगड़ेल बन जाते हो और इसलिए पुलिस स्टेशन को भी नहीं छोड़ा, ना ही पुलिस इंस्पेक्टर को छोड़ा। तो एंजी ऐसी ही है। इसी दौरान आज चकोर के सामने खुलासा होने वाला है। यस, फाइनली इतने महीने, एक महीने से मुझे पता था कि वो मेरी मॉम है लेकिन उनको नहीं पता था, और वो मुंबई आई मुझे ढूंढने के लिए और मैं कभी नहीं चाहती थी कि उनको पता चले कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन आज जो उन्होंने किया है, मतलब वाह वाह टाइप्स हो गए कि मतलब इतना तो दुख दिया ही है मुझे, ऊपर से जेल में भी डाल दिया, मतलब ये आखिरी कसर जो उन्होंने पूरी की। सो आई जस्ट वॉन्टेड हर टू नो दैट जिस कोक को वो कोस रही है, बिकॉज वो पूरा टाइम बोलती रहती कि मैं पेरेंट्स पे तरस आता है, माँ पे तरस आता है। तो मैंने आज बोल ही दिया कि वो जो माँ जिस पे तुम तरस खा रही हो, खुद पे तरस खाओ, बिकॉज आई एम योर डॉटर। ओके, लास्टली जो चकोर का रिएक्शन रहा है, हाँ, तो उस पे एंजी का क्या कहना? अब उनको पता चल गया है दैट आई एम हर डॉटर, सो आई थिंक वो ऑब्वियसली मुझ पे प्यार लुटाना चाहेंगी या यू नो वो गिल्टी रहेंगे कि उन्होंने मुझे क्यों जेल में डाला। बट अब लास्ट में उनके हाथ में कि वो मुझे जेल से बाहर निकालती है नहीं निकालती है, दैट इज़ ऑल ऑब्वियसली इन हर हैंड। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।